किसान भाइयों, इस साल पंचायती जमीन को पट्टे पर लेने के लिए एक जरूरी शर्त है। वो क्या है सरपंच साहब? जो भी किसान पंचायती जमीन पर खेती करेगा उसे खेत में ऑर्गेनिक खाद डालनी पड़ेगी। पर सरपंच साहब, हम तो खेत में भरपूर यूरिया और डीएपी डालते हैं, फिर ऑर्गेनिक खाद की क्या जरूरत है? जब तक खेत में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तब तक आप कितनी रासायनिक खाद डालें फसल अच्छी नहीं होगी और जमीन बंजर भी हो सकती है। तो फिर कौन सा ऑर्गेनिक खाद डालें? इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद, जिसे मैं भी अपने खेतों में डालता हूँ, तभी तो होती आपके खेत में भरपूर फसल। सरकारी मान्यता प्राप्त इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद जमीन में ऑर्गेनिक तत्व बढ़ाए, किसान को भरपूर पैदावार दिलाए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। आज thesadaknama.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। इस समय मैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कासी का बास में मौजूद हूं और मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दो दिनों से आप ये अभय सिंह चौटाला का हल्का है जो राजस्थान के साथ साथ लगता है, तो यहाँ आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या बड़ी समस्या क्या आ रही है यहाँ? समस्या कई जगह टेल पे पानी की समस्या है। दूसरा, पिछले 5 साल के अंदर पूरे इस इलाके के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना यहाँ पर नौकरी लगी ना रोजगार के साधन हैं। और मैं समझता हूँ कि जो उम्मीद इनको थी, किसानों की हालत बहुत ख़राब है, मजदूर के हाथ को काम नहीं है, तो ये समस्याएँ हैं और ये टेल पे होने के कारण इस इलाके की अनदेखी हुई है। तो हम सभी साथियों को यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस इलाके को प्रमुखता के साथ हम आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ उद्योग धंधे लगे, कृषि के क्षेत्र में इस इलाके में पैदावार अच्छी है, नरमा होता है और होता है, टेक्सटाइल का इसको हब बनाया जाए और एग्रोबेस इंडस्ट्री लगाई जाए, तो रुझान है। और सबको ये पता है कि इनेलो इस चुनाव के बाद अस्तित्व अपना खो देगी, तो इसलिए हमने बिना किसी भेदभाव के काम किया। जब हम सांसद थे तो चाहे इनेलो के वर्कर हो, चाहे बीजेपी के वर्कर हो या कांग्रेस के वर्कर हो, सब लोग गांव के गांव पूरा अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देखते हैं। अभय सिंह चौटाला तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा कोई मुकाबले में नहीं है, चुनाव हम जीत रहे हैं। देखो, इसी गलतफहमी में तो 3 बार से बाहर हो लिए और इस बार सब जगह से बाहर हो जाएंगे, तो मुकाबले में तो इनेलो कहीं नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है, और जो जो ऐसे लोगों के साथ दिखाई देगा वो सब मुकाबले से बाहर होंगे। क्या लग रहा है इस चुनाव में किसान भी एक बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, किसान तो बड़ा मुद्दा है ही, किसान तो बड़ा मुद्दा है ही, और हमने ये बात कही भी है कि कांग्रेस पार्टी आते ही किसान और गरीब के कर्जे माफ़ करेगी, किसान के लिए अलग बजट होगा, बजट में तमाम तरह के प्रावधान होंगे उनके लिए, नई नहरें निकालने के लिए, उनके समर्थन मूल्य के लिए, उनके जो और तमाम दूसरी सुविधाएं चाहिए उनको, यूरिया खाद की बात है, और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि तमाम और जो बातें हैं, तो बजट अलग है, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को दुगना करने की बात है, रक्षा बजट को बढ़ाने की बात है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की आय दुगनी कैसे हो, माली हालत कैसे सुधरे, जो बार बार किसान कर्जे में डूब जाता है उसको उस ट्रैप के अंदर से कैसे निकालें, ये सब लोगों का मोटा मोटी सोच है और कांग्रेस पार्टी इसी के ऊपर काम करते हुए हमने कहा कि हम 25 करोड़ जो गरीब लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है उनको हर साल 72,000 रुपये देने का काम करेंगे, 5 साल में 360,000 होंगे और इससे गाँव के जो लोग हैं उनकी आने वाले समय में तकदीर बदलने का काम होगा। भाजपा प्रत्याशी भी आपने आरोप लगाया कि वो अपने जो लोग ये कहते हैं कि माँ निर्माणा में और कई जगह जब बात आई कि भाई पैसे ले दिए बिना तो कोई काम नहीं होता, तो जो पहले से ही अभी भी जो बोरियाँ चल रही है मंडी में, कहते हैं भाजपा का पर बोरी 5 रुपये जा रहा है, और नहीं आ रहा हो तो आप मंडियों में जा करके पूछ लो, एक बोरी पे 5 रुपये अभी से लेना शुरू कर दिया हो जिस भाजपा ने, तो भाजपा में वो कैसे गुल खिलाएंगे? तो ये बड़े सवाल हैं कि भ्रष्टाचार एक तरफ कांग्रेस ख़त्म करना चाहती है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के जनक और जननी वो मैदान में आकर के वो आज वोटों की अपील कर रहे हैं, तो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा और इन लोगों को साफ करेंगे। जीत के लेकर कितने का आश्वस्त हैं आप? जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, धीरे धीरे समीकरण, हालात, लोगों का रुझान, वो सब कांग्रेस के पक्ष में है।
तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।